हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की आदि शर्मा की लेटेस्ट एडिशन की बुक है उसमें जो आप पे चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो स्टार्ट कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 भी हमारा चैनल पे चल रहा है साथ के साथ, तो आप उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। प्लस एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, पूरी चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप कर ही सकते। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 इसका करने वाले हैं, जो कि आपके पास पेज नंबर 2.2 हैं। तो सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस उसको चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी, इस चैनल पे आदि शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, केसेस स्टडी एंड एनसीईआरटी, सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कहना सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करो एंड चेक द रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट को भी चेक करो। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस 5 प्लस 11 बराबर में 1/15 है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, तो एक तरीके से ये करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले इस 11 को हटा दो यहाँ से। तो मैं इस 11 को दूसरी साइड ले गई तो ये माइनस का 11 बन गया, ये राइट लेफ्ट साइड पे प्लस का था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बेस सेम कर लिए तो 15 की टेबल में 1 तो नहीं आता, पर 1 की टेबल में 15 ज़रूर आता है। 15 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब 1 को 15 से करोगे तो 15 ही आएगा, लेकिन 11 को 15 से करोगे तो 165 आ जाएगा। बेस तो सेम हो गए, अब आप माइनस कर सकते हो इजीली। तो 1 में से अगर आप 165 माइनस करोगे तो माइनस का 164 आपके पास बचेगा, अपॉन में 15 ऐसे ही लिखा है। ठीक है, इस 5 से इस 15 को कट कर दिया, 3 आ गया, तो एक्स आ गया माइनस 164 अपॉन में 3। एक्स की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको ये क्रॉस चेक भी करना है। अब देखो चेक कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन था ना उसको, इक्वेशन थी, एक बार उसको दोबारा लिख लो यहाँ। अब जहाँ पर भी x है ना, आपको क्या करना है, वहाँ पर x की वैल्यू ये पुट करनी है। तो फिलहाल मैंने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, x को अंदर लिख दिया, 1 के साथ है तो मल्टीप्लाई गई ना। अब मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, प्लस का 11 बराबर में 1/15। अभी आ जाएगा माइनस का 164 अपॉन में 15, प्लस का 11 बराबर में 1/15। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, मैं 11 को तो उधर ले गई और 1/15 को इधर ले आई, क्योंकि इनके बेस मुझे सेम दिख रहे थे। यहाँ 165 हो जाएगा, 15 से 165 को काटोगे तो 11 ही आएगा माइनस का, दोनों साइड सेम आ रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू ऊपर निकाली है, ये आपने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली। पर अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आएगी, मतलब आपने कहीं ना कहीं वो वैल्यू गलत निकाली, तो आपको अपना आंसर जो है वो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपके एग्जाम्पल 1। उम्मीद करती हूँ अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना और चेक करना आ गया होगा। फिर भी अभी इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे उन्हें कवर करेंगे। आप इसे कीजिए, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पे 8th क्लास के मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस, ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू।